स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमास खाना में। और आज हम रेसिपी में बनाने वाले हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ चना। तो चना देख के आपको यूँ लग रहा हो जैसे हम चना का कोई चीज़ बनाने वाले हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम। चना का ना तो सब्जी बनाएंगे और ना तो चाटपटी बनाना है, हमें बनाना है आज काला चना को हमने भिगो के रखा हुआ है आज से, और इसे फ्रेश करके धो के रखी हूँ मैं आपके सामने। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं चना का काला चना का जो है उसे टिक्का बनाने वाले हैं। बिल्कुल कम ऑयल में आप बहुत ही बेहतरीन टिक्का बना के खा सकते हो। तो इस सामग्री को कैसे बनाते हैं और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होगा, तो आइए हम समय को व्यर्थ नहीं करते हुए फटाफट अपना सामग्री देखते हैं और चना टिक्का बनाने के लिए हम उसकी तैयारी करते हैं। तो हमने लिया है ये एक जार। जार के अंदर हम काले जो हमने जार के अंदर इसको प्याज को हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले रखा है, इस प्याज को कट करके रखा है। तो हमने इसे पीसना है, तो हमें इसे जार में डाल दिया। हमने लिया है 3 से 4 जो है हरी मिर्च जो है साबुत, और बहुत सारा लहसुन ले रखा है हमने, 8 से 9 कलियाँ होंगी लहसुन का। इसमें लहसुन बहुत ज़रूरी है, डालने से बहुत बढ़िया लगता है खाने में, है ना। तो इसे हम अब थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर लेंगे और इसे हमें पीसना है। तब तो हमने इसमें सारा सामग्री डाल दिया है, हमको इसे पीसना है। तो पीसने से पहले हम इसमें चना भी डाल देते हैं ताकि एक ही साथ पीस जाए। चना ज़्यादा नहीं, एक कटोरी चना ले रखा है हमने, एक ही साथ सबको पीस लेंगे। उसके बाद हम जो बेसिक मसाले रखे हैं उसको आपको ऐड करके बताएंगे कि क्या क्या है। तो पहले हम इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हमने चना को जो है लहसुन मिर्ची के साथ अदरक के साथ ये सब पीस लिया है, बहुत बढ़िया। थोड़ा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, तभी हमारा जो है खाने में ये काला चना का जो टिक्का बनाएंगे तो खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं और सारा सामग्री। हम इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, और हमने लिया है कुछ बेसिक मसाले हमारे पास है। 1 चम्मच ये गरम मसाला, 1 चम्मच है भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच आधा चम्मच है हमारे पास आधा चम्मच हमारे पास है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हमारे पास हल्दी पाउडर, और आधा चम्मच है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, 4 टीस्पून जो है हमारे पास है ये काली मिर्च पाउडर। इस सबको हम इसी में मिक्स कर लेंगे, इसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें हम मैदा। आप चाहे तो इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, पर इसमें हम मैदा डाल रहे हैं। 1 चम्मच हमने मैदा डाल दिया है, और थोड़ा खस्ता हो जाए करारा सा उसके लिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच, और हमने लिया है इसमें नींबू का जूस ये देखिए 1 चम्मच है ये पूरा। आप चाहे तो आप ये ऑप्शनली है, आप चाहे तो इसे स्किप करके आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें नींबू का रस ऐड किए हुए हैं, अब बाकी आपकी मर्ज़ी, आप नींबू का रस डालिए या आप चाहे तो आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसमें धनिया पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं, पर हमें टिक्का बनाना है तो हमने इसमें ऐड नहीं किया है। बिल्कुल टिक्के जैसा ही दिखना चाहिए, इसलिए हम इसमें ये आप चिकन मटन खाना भूल जाओगे उसका टिक्का जैसे भी बहुत बढ़िया लगता है। इसका छिलका उतारा नहीं गया है, ये छिलके के साथ हमने पीस लिया है इसको। ये छिलके के साथ रहने से जब ये बन के तैयार होगा तो आप देखोगे तो बिल्कुल ये चिकन मटन जैसा ही दिखेगा, बिल्कुल लगेगा कि आप उसी का टिक्का खा रहे हो, बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो बेसिक ये चीज़ें जो है आप अच्छे से मिक्स करें और घर पे बनाएं, बहुत बढ़िया रेसिपी है, बहुत जल्दी और फटाफट बनने वाला है ये रेसिपी। तो लीजिए बिल्कुल परफेक्ट जो है हमारा टिक्का का जो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट बना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला, बिल्कुल आप टिक्का आराम से इसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आप हमें पता है कि हम टिक्का के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, हमने गैस को ऑन कर लिया है, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखा हुआ है। बहुत सारे लोग टिक्का को पैन में बनाते हैं, हम कढ़ाई रखे हुए हैं, कढ़ाई में भी आप बना सकते हो। तो कढ़ाई हमारी गर्म होनी चाहिए और तेल भी हमारा गर्म होना चाहिए ताकि हम टिक्के को अच्छे तरीके से सेक लें बिल्कुल मीडियम साइज़ पे। तो हम टिक्के के शेप दे लेते हैं, और गैस को बिल्कुल मीडियम रख ले ताकि ये जले नहीं, और क्योंकि ये जल जाएगा तो फिर बढ़िया नहीं दिखेगा। बिल्कुल टिक्के का शेप दे ले इसे, और
आसानी से हम इसके अंदर जो है ऐसे रख दें। इसी तरीके से हमें टिक्का बना लेनी है। ये लीजिए हमारा दूसरा सेब भी तैयार हो चुका है, तो अब इसको हम भी तेल के अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कोई कोई जो टिक्का है वो साइड से नीचे जो है वो अच्छे से सिक गया है। तो इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे सेके और पहले तो इसे छुए ना, ताकि जब तक ये नीचे से सिक नहीं जाता उसे नहीं पलटे, नहीं तो वो टूट जाएगा फिर। तो हम इसको जो है ये सही तरीके से सिक गया है, इसे हम पलट लेते। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है, बहुत ही अच्छा शेप है इसका। और इसी तरीके से हम ये दूसरा भी टिक्के को सीख लेते हैं। ये भी नीचे की तरफ से सीख गया है। ये हमारा इसी तरीके से हमें इसे अच्छे तरीके से सेक लेना है। हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ना इसे हमें डीप फ्राई करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लाजवाब टिक्का बन के तैयार हो गया है। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फ्रेंड्स में लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर आप चैनल पे पुराने हो तो कमेंट्स आप भी करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स कर रहे होते हैं। इसे भी हम पलट लेते हैं और ये रेसिपी आप ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया और जल्दी फटाफट बनने वाला रेसिपी है। ये देखिए हमने दूसरा भी डाल के इसमें सेक रही हूँ और टिक्का, पहला वाला टिक्का हमने ये सेक के बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी है, ये सेक के हमने रखा हुआ है। तो दूसरा हमने पहले से बना लिया है, डाल लिया था, अब एक तरफ से सिक गया है, दूसरे तरफ से सिक रहा है। अब बेशक इस टिक्के को आप घर पर ज़रूर बनाइए। तो लीजिए हमारा दूसरे तरफ से भी टिक्का जो है ये सिक गया है बहुत बढ़िया से। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फटाफट गर्मा गर्म टिक्का, करारा सा टिक्का जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। हमने इसे आपके सामने टोमेटो की चटनी के साथ ऐड किया है, आप चाहे तो किसी और चीज़ की भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल करारा करारा सा बना है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी है। तो हम यही बोलेंगे कि पहले ये रेसिपी को आप बनाएं हाइजेनिक तरीके से, आप अपने घर पे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बैठ के खाएं। और ये टिक्का आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।